चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दरअसल चुनाव आयोग जो है वो आज रिमोट से वोटिंग कैसे होगी जिसको लेकर के कई राजनीतिक दल ऐसे जो आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग उन्हीं तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहा है, मिल रहा है, बैठक हो रही है और उसमें बाकायदा डेमो जो है वो दिया जा रहा है कि रिमोट से आखिर वोट का सिस्टम जो है वो कैसे लागू होगा, घर बैठे आप कैसे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, इस पर लेकर के आज अहम बैठक जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि वाकई में जो रिमोट वोटिंग की बात कही जा रही है कि अब रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है तो ईवीएम में पहले से ही बवाल था। कई राजनीतिक दल ऐसे थे जिनको आपत्ति थी, ईवीएम पर भरोसा नहीं था, अब ईवीएम पर पहले से आपत्ति और अब ऐसे में रिमोट सिस्टम, रिमोट से वोट करने का सिस्टम जो है वो पचा पाती है राजनीतिक पार्टियां या नहीं, या फिर आज जब ये डेमो दिया जा रहा है उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया आती है बाकी और राजनीतिक दलों की, ये देखने वाली बात होगी। सागर बिल्कुल, देखिए कल के दिन विपक्षी पार्टियों की बैठक भी, बैठक में चर्चा ये की गई कि आखिर हम रिमोट कंट्रोल वोटिंग का समर्थन करें या फिर नहीं। मायावती ने तो ये कह दिया कि हमें तो बैलेट पेपर पर दोबारा आना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि सभी पार्टियां इसका विरोध करेंगी। आज के दिन सभी पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, लेकिन बैठक में क्या कुछ है इस बार खास वो आपको दिखा दें। पहले रिमोट वोटिंग पर मंथन जो लगातार जारी है, रिमोट वोटिंग मशीन पर सभी पार्टियों के साथ इस समय बैठक चल रही है चुनाव आयोग की, और बैठक में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। वही रिमोट वोटिंग मशीन की अगर बात करें तो बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे होगी ये रिमोट वोटिंग। इसके साथ ही साथ अगर बैठक से जुड़ी बात करें तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चुनाव आयोग का मकसद है। इसके पहले भी हमने आपको ग्राफिक्स में बताया कि कितने करोड़ की आबादी है जो अपना घर छोड़ चुकी है और उनका वोट खराब हो जाता है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार भी मांगे थे और कल के दिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर पूरा बैठक किया। कई नेताओं की बयान भी सामने आए कि विपक्ष के कि हम इसका विरोध करते हैं। वही रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी कल के दिन। दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना था, मायावती ने जन्मदिन के मौके पर क्या बोला था वो भी आपने सुना, लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बोला कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और भी कई सारी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, बैठक का दौर लगातार जारी है। अभिषेक बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो चल रही है, उसमें डेमो दरअसल दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये मशीन जो है वो काम करेगा, क्योंकि समस्या ऐसी रही है कि कई लोग जैसे दूसरे राज्यों को छोड़कर के दूसरे राज्य में जा करके रहते हैं, उनके लिए समस्या होती है, तो उनके समस्या के समाधान का तरीका इलेक्शन कमीशन ने ढूंढा है, कितना सफल हो पाता है इलेक्शन कमीशन ये देखना अहम होगा।